हे गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल बैरा एंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइज, मैं आ गया हूँ एक नए एपिसोड के साथ में, जिसमें मैं फिशिंग टिप्स के बारे में बात करूँगा। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है गाइज, जैसे कि आप जो रबर शैड्स यूज़ करते हैं सॉफ्ट लूर, जो कि जेड मैन के आते हैं, बाकी जो चाइना के अंदर आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली जो जेड मैन के, जैसे कि आप मेरे कैप देख सकते हैं, कैप में ऑलरेडी लिखा हुआ है जेड मैन। सो अगर आप जेड मैन के लूअर्स यूज़ करते हैं सॉफ्ट लूअर्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला गाइज, क्योंकि इस वीडियो में जो टिप मैं देने वाला हूँ वो आपको बहुत काम आएगी, नहीं तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा ये रबर शैड्स के बारे में। क्योंकि ये दीज आर दी मेड इन यूएसए रबर शैड्स एंड दे आर दी बेस्ट क्वालिटी रबर शैड्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट डिज़ाइंड एंड बेस्ट एक्शन है इनका। सो आप ये वीडियो को एंड तक देखें गाइस, विदाउट स्किप के वीडियो को देखें, ताकि आप वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं मिस करें, क्योंकि वो मिड में कहीं भी आ सकता है वो पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, तो उस पर ध्यान दें। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इस, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं तो, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें गाइस, जैसा कि आपने बाकी वीडियोस को किया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ऑनलाइन विद अस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो आज कुछ नया सीखते हैं गाइस। क्या आप जेड मैन के लूअर्स यूज़ करते हैं? अगर हाँ तो आपको ये वीडियो बहुत काम का होगा गाइज आपके लिए, क्योंकि गाइज जो जेड मैन के सॉफ्ट लूअर्स यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि वो भी इस डिफ़िकल्टी के थ्रू फेस करते हैं गाइज, ये डिफ़िकल्टी उनको भी आती है। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जेड मैन के लूअर्स होते हैं, जो सॉफ्ट लूअर्स होते हैं, रबर वाले या सॉफ्ट प्लास्टिक आप बोल दो उसको, इस तरह के जो लूअर्स होते हैं, इनकी एक खासियत होती है गाइज कि ये बहुत ही स्ट्रेचेबल होते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो होते हैं ना, ये बहुत ही स्ट्रेचेबल होते हैं इस तरह के, आई होप यू कैन सी दैट, इस तरह से बहुत ही स्ट्रेचेबल होते हैं। आप दूसरे भी जो रबर शैड्स होते हैं दूसरे कंपनीज़ के, वो आप लेके खींच के देखना, वो यहाँ से टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, बट ये ऐसा नहीं होता है गाइस। इसका हमको ये फ़ायदा होता है गाइस कि इसका जो एक्शन आता है रबर शैड का, इसका एक्शन बहुत ही अच्छा आता है, जो टेल एक्शन आता है, टेल मूवमेंट आता है, वो बहुत ही अच्छा होता है गाइस। एंड इसका एक और फ़ायदा है गाइस कि अगर सपोज किसी स्नैपर या ग्रुपर या कोई ऐसी मछली है जो शार्प टीथ वाली होती है, उसका दांत बहुत स्ट्रांग होते, मतलब शार्प होता है, तो अगर उन्होंने ट्रैक अटैक करती है टेल के ऊपर, अगर उसने टेल पे अटैक किया तो वो टेल को काट के लेके चली जाती है, तो ये रबर शेड हमारे कोई काम का नहीं होता है। और इसका जो हुक होता है गाइस यहाँ पीठ के ऊपर होता है, उसने अगर अटैक किया और उसके मुँह में हुक नहीं आया तो वो टेल काट के निकाल के लेके चली जाएगी, बट इन दिस केस गाइस वो स्ट्रेच होता है बट कटता नहीं है उनके दांतों से, तो मोस्टली इन दैट केस हमारा ये रबर शेड बचा हुआ रहता है, हमको इसका लॉस नहीं होता है। एंड गाइज ये जो जेड मैन के लूअर्स होते हैं, ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्ट लूअर्स है, इनसे अच्छे सॉफ्ट लूअर्स मेरी नज़र में तो अभी कोई नहीं है, सो कोई कॉम्पिटिशन में भी नहीं है इसके साथ में, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन एंड जो फंक्शन है एंड इनका जो एक्शन है गाइज, इसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है। एंड दे आर मेड फ्रॉम यूएसए आई थिंक सो, ये दिस इज़ मेड इन यूएसए, हाँ दिस इज़ मेड इन यूएसए। सो ये इंडस्ट्री में अभी तक के सबसे बेस्ट रबर शैड्स है, जो आप स्वीट वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आई टेल यू गाइस कि इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, कि ये जो रबर शैड्स होते हैं जेड मैन के, इनका जो मटेरियल होता है गाइस जिससे बने होते हैं, उनका मुझे अभी तक केमिकल कंपोजिशन नहीं मिला है, क्योंकि वो मोस्टली ये होता है कि कंपनीज डिस्क्लोज नहीं करती हैं इनका केमिकल कंपोजिशन, कि ये किस केमिकल के या किस चीज़ के बने हुए थे, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम ये है गाइस कि इन जो रबर शैड्स है इनको आप किसी ऑर्डिनरी रबर शैड्स के साथ में मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने टैकल बॉक्स में इस रबर शैड को, जेड मैन के रबर शैड को, अपने नोबी के रबर शैड से या कोई दूसरे चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है या कोई भी ब्रांडेड रबर शैड्स है या सॉफ्ट लूअर्स है उनके साथ में आपने इसको मिक्स करके रख दिया, तो गाइस क्या होगा कि ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके उस जो रबर शैड उसके साथ में पड़ा है उसको भी पूरा ख़राब कर देगा और ये भी ख़राब हो जाएगा गाइस, पूरा मिक्स होकर एकदम पूरा गंदा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, पूरा आपस में मिक्स हो जाते हैं दोनों भी रबर शैड। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस कि जो जेड मैन के रबर शैड्स आते हैं उनको आपको सेपरेट ही रखना है, इनके जो बॉक्सेस आते हैं जैसे जो पैकेट्स आते हैं, इस तरह के पैकेट्स आते हैं, इनको इन्हीं पैकेट्स में रखना है, इनको इन पैकेट से निकालना नहीं है गाइस,
जब आप यूज़ करते हो उसको निकाल के यूज़ करो, बट आपको वापस उसको रखना है तो हुक में से निकाल के उसको उसी पैकेट के अंदर वापस रख दे। अगर आप उसको ओपन रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे गाइस, कि आपको पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। सो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जितने भी रेडमेड के शर्ट्स आते हैं उनको सेपरेटली अलग अलग पैकेट में ही रखें, इस पैकेट को इसके साथ मिक्स नहीं करें, किसी भी पैकेट्स के कंटेंट को आपस में मिक्स नहीं करें, इनको अलग ही रखें। क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए गाइज एक आपने देखा होगा इनके जो पैकेट्स आते हैं इसमें दोनों साइड में होल होते हैं, आई होप यू कैन सी दैट। ये देखिए यहाँ पे एक होल है, एक होल यहाँ पे है। तो इनका एक फाइल आता है, जैसे फोल्डर आता है, उस फोल्डर में आप इनको लगा के जैसे हम पेपर्स रखते हैं ना फाइल में अपने, उस तरह से आप इनको भी रख सकते हैं। मैं आपको फोटो में अभी दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है, उस तरह से आप उनको स्टोर कर सकते हो। इसलिए कंपनी ने इसको ऐसा बनाया हुआ है क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है, इसीलिए हमको इनको यूज़ करना चाहिए। एंड दे आर दी वन ऑफ द बेस्ट रबर शैट्स गाइस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको पॉजिटिव मिली गाइस, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़।